नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तराखंड डॉक्टर अमिता उप्रेती जी से और जानेंगे कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। नमस्कार मैम, दूरदर्शन उत्तराखंड में आपका स्वागत है थैंक यू जी। मैम, पहला सवाल मेरा यही आपसे कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही है कोरोना से निपटने के लिए अभी तक। हम लोगों ने शुरू में ही जो 15 जनवरी के बाद भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई थी, शुरू से ही जो है उस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी थी और सब समस्त 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर लें और उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड एम्बुलेंसेस, बॉर्डर एरियाज में स्क्रीनिंग शुरू पहले से ही कर दी गई। मैम, जो हमारे पहाड़ी जिले हैं ऊपर के, वहां पे क्या क्या सुविधाएं अभी दी जा रही हैं इससे निपटने के लिए? पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर जहाँ पर हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, उन एरियाज में जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं वहां पर हमारी स्क्रीनिंग टीम, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा, एएनएम सभी लोग हैं और वहां से जो वहाँ एसएसबी और आईटीबी की भी टीम्स हैं और उनके द्वारा स्ट्रिक्ट मॉनिटर। अब तो खैर टोटली लॉकडाउन है लेकिन उस समय बिल्कुल एक एक जो यात्री आ रहा था उसकी स्क्रीनिंग करी जा रही थी जी। उनके द्वारा निश्चित कर लिया गया था कि कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है और बिल्कुल प्योरली इस तरह से स्क्रीनिंग करते हुए ही उनको भारत वर्ष में प्रवेश कराया जा रहा। मैम, जो हमारे पेशेंट्स इलाजरत हैं कोरोना पेशेंट्स, तो उनके इलाज के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? हमारे द्वारा जो इस समय अभी कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो दून में है कुछ पेशेंट्स उसमें हैं, कुछ कोटद्वार में हमारे जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उसमें है, कुछ जो है हमारे सुशीला तिवारी या हल्द्वानी बेस में है और उनका जो है भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार ही उन पेशेंट्स को देखा जाता है। डॉक्टर्स उसी प्रिकॉशनरी जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए उनका ट्रीटमेंट करते हैं जी। इस समय हमारे जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं सभी स्वस्थ हैं। मैम, जिन लोगों को अभी होम क्वारंटाइन किया गया है जिन लोगों को, तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है कि उनको हॉस्पिटल लाया जाता है कि वहां टीमें वहां पे जा रही है स्वास्थ्य विभाग की हमारी? उनको होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है उसमें स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभाग भी मिले हुए हैं जैसे पुलिस है, एसडीआरएफ है, आईडीएसपी विभाग है या स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं और लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं और वहां पर उनकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा देखी जा रही है। मैम, जो भी टेस्टिंग किट्स हैं तो उनकी व्यवस्था करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं तक अभी तक? अच्छा, पूर्व में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जो लोग क्वारंटीन है या जगह जगह जो दिहाड़ी मजदूर अभी चल के आए हैं और उनको भी क्वारंटीन किया गया है तो हमारे द्वारा सेकेटिस्ट की एक टीम भेजी गई है जिससे कि उनकी काउंसलिंग करी जाए कि उनको किसी प्रकार का परेशानी अगर है तो उससे भी उनको उबारा जा सके। और जहां तक आपकी टेस्टिंग किट का सवाल है, ये भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी है कि ICMR की गाइडलाइन है कि जो हमारे लैब्स हैं दो, सुशीला तिवारी और एम्स ऋषिकेश, ये दोनों लैब जो है अधिकृत जो है ICMR भारत सरकार द्वारा करी गई हैं और यहाँ पर जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है ये भी उन्हीं के द्वारा ही निर्धारित करी जाती है और अभी तक तो टेस्टिंग किट उनके द्वारा ही दिए भी जा रहे थे और अभी और भी देंगे वो, क्योंकि अभी मेरी कल बीसी उनके साथ थी तो उनके द्वारा ये मुझे आश्वासन दिया गया कि हम लगातार टेस्टिंग किट प्रोवाइड करेंगे। मैम, जैसे देखा है कुछ दिनों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स की, तो आगे ना समय में एडवांस में क्या क्या तैयारियां कर रहा है स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तो इसलिए पूर्व में ही हम सावधानियां बरत लें तो वो ज्यादा बेहतर होती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी उसी के क्रम में जो है जो उसकी पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं थी उसको विस्तारीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर पिछले 15 दिन से कर रहा था और उस युद्ध स्तर के क्रम में उन्होंने अपने आइसोलेशन जो बेड थे, क्वारंटीन बेड्स थे या ICU बेड्स थे उनको विस्तारीकरण करके उनको इंक्रीज किया है
और अगले 10-15 दिन में आपको आईसीयू भी आपको फंक्शनल दिखाई देंगे, और इसी क्रम में हमारे जो बेड्स हैं वो काफी बढ़ गए हैं, जिनकी संख्या अब कम से कम 1600 से भी ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो उनकी देखभाल के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं कि ताकि वो अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकें? डेफिनेटली है, कोविड-19 या जो संक्रमण को देखते हुए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं और या और नीचे के कर्मचारी हैं, उन सब की भी लाइफ उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की हमारे पेशेंट्स की लाइफ होती है। तो उनके लिए हमने जो है पीपी किट, N95 मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर और जो भी सारी चीजें हैं, गम बूट्स हैं, बूट्स हैं या गॉगल्स हैं, ये सारी चीजें उस किट्स में रहती हैं। तो सारी चीजें प्रिकॉशनरी के तौर पर ही ये उस वार्ड्स में जाते हैं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैम, कोरोना पेशेंट्स के अलावा जो हमारे बाकी पेशेंट्स हैं राज्य के, तो उनकी देखभाल के लिए क्या अलग से तैयारी की जाती जा रही है इस समय? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सुनील जी प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो हमारी रेगुलर हेल्थ सर्विसेज हैं वो पूर्व की भांति ही चल रही हैं, वो कहीं भी कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब नहीं है। कोविड-19 तो अपनी जगह मैनेज हम लोग कर ही रहे हैं और हमारी जो रेगुलर हेल्थ है वो बिल्कुल पेरिफेरी में और हमारे जिला चिकित्सालय में बिल्कुल चल रही है, और साथ में जो 108 एम्बुलेंसेज हैं उनको हमने रूटीन रेगुलर आकस्मिकता की जो सेवाएं हैं उसके उनके लिए छोड़ रखी हैं, जो भी 139 एम्बुलेंसेज हैं, और जो कोविड के 19 के लिए जो एम्बुलेंसेज का अरेंजमेंट हमने कर रखा है वो हमारी एक तो विभागीय एम्बुलेंसेज हैं, साथ में जो हमारे सीएमओज ने अरेंजमेंट कर रखी है अलग से डेडिकेटेड कोविड-19 एम्बुलेंसेज, उन्हीं के द्वारा ही उनसे कार्य लिया जा रहा है। तो रेगुलर हेल्थ सर्विसेज कहीं भी डिस्टर्ब नहीं और बिल्कुल स्वास्थ्य की जो पूर्व की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। मैम, बाकी विभागों के साथ सामंजस्य किस तरह बनाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि और भी विभाग है उनके साथ जुड़ के कैसे कार्य कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? विभागों के द्वारा बहुत ही अच्छे सहयोग के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए चल रहे हैं। पुलिस विभाग का बहुत सहयोग मिल रहा है, SDRF का मिल रहा है, IDSP है और हमारे स्वास्थ्य विभाग की भी और टीमें हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इन सब का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। पंचायती राज है, ग्राम प्रधान है, इन सब का सहयोग हमको बहुत अच्छी तरह और पिछले 15 जनवरी से ही हम उनसे सहयोग ले रहे हैं और बहुत अच्छा मिलजुल के हम कार्य कर रहे हैं। मैम, जैसे हमने कुछ दिनों से देखा कि बाकी राज्यों से लोग उत्तराखंड में आए हैं कुछ, तो उनको ट्रैक करने के लिए क्या कोई सिस्टम जनरेट किया गया है, कैसे उनकी पहचान की जा रही है? जो बाहर से आए हैं उन पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, स्ट्रिक्ट नजर है सभी विभागों की और पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की, और उस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चल रही है। मैम, अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की जरूरत पड़ती है तो कैसे संपर्क कर सकता है इस समय स्वास्थ्य विभाग से? हमारी जो भी व्यक्ति है हमारी हेल्पलाइन है 104 या 1068, इनमें जो है आप जो है हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं, या हमारे जो निकटतम चिकित्सा इकाई है आप वहां चले जाएं, अगर कोई परेशानी है तो वो खुद अपने को दिखाने चले जाए और वहां पर वो जरूर दिखाइए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप अपना इलाज लें। मैम, सबसे अंत में प्रदेश की जनता का कुछ क्या सुझाव देना चाहेंगी आप कि लोग इससे संक्रमण से बचे रहें? मैं प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो घरों से बाहर ना निकलें और यदि निकलने की बहुत आवश्यकता हो तो एक घर से एक ही व्यक्ति बाहर निकले, भीड़ भाड़ ना करें, अननेसेसरी हाथों को मुंह की तरफ ना ले जाएं, जो टी जोन होता है उसको छुए नहीं, आंख नाक मुंह, और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ रगड़ साबुन से हाथ धोएं, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक रगड़ने से हमारे हाथ में जो संक्रमण होता है या इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जो है तरल पदार्थ का बहुत उपयोग करें, पौष्टिक आहार लें और आहार में भी खूब कुक्ड फूड लें, पका हुआ भोजन बहुत लें, कच्चा आहार कम लें, और इसके साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यदि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भय की कोई स्थिति नहीं है, सब चीज अंडर कंट्रोल है और स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है और पूरी तैयारी के साथ है,
आप बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ आप इन चीजों का ध्यान रखें कि क्या आपको करना है और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, तभी हम कोरोना वायरस को हराने में सफल होंगे। जी ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।